हल्द्वानी से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसे सुनकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। आपको बता दें, शहर में चेकिंग कर रहे सीपीयू कर्मी को कार चालक ने चपेट में ले लिया, जिससे सीपीयू कर्मी बुरी तरह से घायल हो गया। दरअसल सुबह सुशीला तिवारी स्थित कैंसर हॉस्पिटल चौराहे पर सीपीयू के कर्मी चेकिंग कर रहे थे। इस बीच रामपुर रोड की ओर जा रही एक संदिग्ध कार दिखी। सीपीयू कर्मी ने उसे रोकने का प्रयास किया तो चालक ने सीपीयू कर्मी को ही चपेट में ले लिया। दरअसल कार की टक्कर से सीपीयू कर्मी का हाथ फट गया और घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी कार समेत भाग खड़ा हुआ, जिसकी सूचना सीपीयू कर्मियों ने स्थानीय चौकी और थाने को दी। पुलिस ने नाकाबंदी भी की, लेकिन तब तक कार सवार फरार हो गया। कार चालक टीपी नगर चौराहे से होते हुए ओपन यूनिवर्सिटी की ओर भागा है। इसके बाद वो गलियों में घुसा और पुलिस की नजरों से ओझल हो गया। अब फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। जल्द ही कार चालक को गिरफ्त में ले लिया जाएगा। आपको बता दें, हल्द्वानी शहर में अब रोजाना हादसे होते जा रहे हैं। अभी 3 दिन पहले ही हल्द्वानी में तेज रफ्तार कार की चपेट में आने से शीश महल के पास किराए में रहने वाली ज्योति की मौत हो गई थी। उसे तेज रफ्तार कार ने टक्कर मारी थी। महिला रोड क्रॉस कर रही थी, जिस दौरान यह हादसा हुआ था। महिला का हाथ बुरी तरह से कट गया। उसको गंभीर चोट आई, जिसके बाद इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इसी तरह हर रोज हल्द्वानी शहर में हादसे होते जा रहे हैं। इसका सबसे प्रमुख कारण है वाहन चालकों की लापरवाही। आए दिन सड़कों पर खून बहता है। लापरवाही से हुए हादसे परिवार वालों को जीवन भर का दर्द दे रहा है, और इन हादसों को रोकने या फिर उनकी जांच करने के लिए लगी सीपीयू को भी अब ये चकमा दे रही है। आज तो हद हो गई, जब एक सीपीयू कर्मी को कार चालक ने चपेट में ले लिया। फिलहाल इस मामले की जांच जारी है।